स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एनालिसिस में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो CITS जो ITI का इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स है उसके एडमिशन से रिलेटेड फुल जानकारी डिस्कस करूँगा। काउंसलिंग किया जाता है, किस तरह कॉलेज का आपको अलॉटमेंट मिलता है और काउंसलिंग के प्रोसेस होने के बाद नेक्स्ट स्टेप को क्या क्या करना पड़ता है, एडमिशन कैसे होता है CITS में और फीस कितने होते हैं, एडमिशन NSTI में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट होते हैं और प्राइवेट ITO होते हैं। काउंसलिंग में वही कैंडिडेट भाग ले पाएंगे जिन लोगों ने ऑल इंडिया कॉमेंटेंट टेस्ट दिया है और एक वैलिड रैंक कार्ड उन्हें मिला है। कोई एक कैंडिडेट 100 में से 65 लाया है तो 65 जो नंबर उसे मिला है वो इसका रैंक कार्ड हो गया। अब जब आपका अपना फुल इंटरेस्ट होगा CITS कोर्स में एडमिशन लेने का, क्योंकि काउंसलिंग फीस एक बार 1000 रुपीज़ पे करने के बाद वो रिफंडेबल नहीं है, एडमिशन के साथ वो एडजस्टमेंट हो सकता है, लेकिन एक बार आप काउंसलिंग फीस पेमेंट कर दिया और अब बाद में आपका इंटरेस्ट नहीं जागा कि मैं CITS कोर्स नहीं करूँगा, मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, तो बाद में वो फीस रिफंड नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो काउंसलिंग करते समय आपको ऐसा कुछ एक 5 ऑप्शन आपको कॉलेज का चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे एक कैंडिडेट जिसने काउंसलिंग किया था प्रीवियस में ADIT का एडवांस डिप्लोमा कोर्स के लिए, तो एडवांस डिप्लोमा कोर्स CITS का काउंसलिंग प्रोसेस एक ही है। तो इस प्रकार वो 5 कॉलेज आपको ऑप्शन में मिलेंगे चूज़ करने का जब आप फीस पेमेंट कर दीजिएगा काउंसलिंग का। तो NSTI भुवनेश्वर को पहले नंबर में रखा, दूसरा में NSTI हावड़ा को रखा एक नंबर में, दूसरे नंबर में NSTI भुवनेश्वर को रखा है, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस रखा NSTI कानपुर, चौथा चॉइस रखा NSTI हैदराबाद और NSTI हैदराबाद भी विद्यानगर। तो इस प्रकार आप मिनिमम मैक्सिमम जो है 5 कॉलेज का काउंसलिंग में चूज़ कर सकते हैं। आपका कितना कोटा, कितना रैंक मिला आपको, जनरल में कितना आ रहा है, सीट कितना है उस कॉलेज में, कितना सीट है आप, कितना भी रैंक आपका चल रहा है, अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाए कॉलेज, मान लीजिए NSTI कोलकाता आपको मिल गया, तो ये जो कलर है ये ग्रीन हो जाएगा या ब्लू हो जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए सीट अगर मान लीजिए NSTI कोलकाता में 100 है, आपने फिटर ट्रेड के लिए अप्लाई किया है और आपका यहाँ पर अभी रैंक जो शो कर रहा है 89 है और ये जो कलर जो है ग्रीन या रेड हो, ग्रीन या ब्लू हो गया, तो इसका मतलब ये कॉलेज जो आपको अलॉटमेंट मिल चुका है। अब आपको काउंसलिंग इसके लिए रेगुलर के लिए आप डेट वगैरह चेकआउट करते रहिएगा कब आपको कॉलेज के लिए अलॉटमेंट मिला है, ठीक है। प्रोविजनल एडमिशन आपको कराना होगा, ठीक है। प्रोविजनल एडमिशन क्या होता है इससे रिलेटेड भी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो रेगुलर आप वेबसाइट को चेकआउट करते रहिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है एक बार काउंसलिंग करके छोड़ देते हैं, तो आपको वेबसाइट को जो वेबसाइट दिया हुआ मेल ID हुआ उसको रेगुलर चेकआउट करते रहना चाहिए और आप जानकारी रखना पड़ेगा आपको। इस प्रकार कभी कभी क्या होता है काउंसलिंग करने के बाद भी आपको फर्स्ट चॉइस में नहीं मिला, ठीक है, तो आप वेट कीजिएगा, ठीक है। और एक फर्स्ट काउंसलिंग का जब एक डेट आता है, जैसे फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, इस प्रकार का डेट आता है अलग अलग, तो डेट्स को भी ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग में आपने इन 5 कॉलेज को सिलेक्ट किया है, फर्स्ट कॉलेज में आपको पहला प्रेफरेंस नहीं मिला आपकी चॉइस के हिसाब से, तो आप सेकंड काउंसलिंग का वेट कर सकते हैं। और काउंसलिंग करने से पहले आप कॉलेज का एक एनालाइजिंग रिपोर्ट अपने खुद से बना लीजिएगा, आप अपने लोकेशन के हिसाब से कहाँ कंफर्टेबल है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप परीक्षा के अनुसार कॉलेज का एक एनालाइज रिपोर्ट एक बना लीजिएगा। टोटल NSTI 14 NSTI है जिसमें फीमेल कैंडिडेट और मेन कैंडिडेट, मेन एंड वोमेन दोनों अलाउ है। NSTI जो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चलते हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के भी है जिसके जिनको बोलते हैं ITOT इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। तो इसके साथ साथ कुछ वोमेन NSTI भी है, वोमेन NSTI में मेल कैंडिडेट अलाउ नहीं होते हैं। 17 वोमेन NSTI कॉलेजेस है जिसने NSTI हावड़ा में प्रीवियस अपना प्रोविजनल एडमिशन कराया था। ये प्रोविजनल एडमिशन कब होता है, जब आपको कॉलेज का फाइनल अलॉटमेंट मिल चुका है। जैसे एक कैंडिडेट को NSTI हावड़ा का अलॉटमेंट मिल चुका था काउंसलिंग जब उसने किया था, तो उसका रैंक करीब करीब 65 आया था, तो चेक लिस्ट ऑफ प्रोविजनल एडमिशन, तो ये NSTI हावड़ा के द्वारा ये फॉर्म दिया जाएगा, ये फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओरिजिनल जीरोक्स कॉपी आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था फॉर्म भरते समय CITS के,
वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले जाइएगा कार। इस प्रकार का काउंसलिंग का फीस एक आएगा आपको 1000 रुपये का। तो ये ADIT का है, तो CITS का भी इसी प्रकार का सेम एक ऐसा फॉर्म काउंसलिंग फीस का स्लिप आएगा। ये फीस का जो प्रिंटआउट कॉपी आप कर लीजिएगा, जब आप काउंसलिंग फीस आप भरेंगे आप इसको अपने साथ ले जाइएगा, जब प्रोविजनल एडमिशन करिएगा। और एडमिशन टाइम में भी ये लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। कॉलेज में अलॉटमेंट मिल चुका है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरते समय दिया था वो सारा आपको कैरी करना है। और उस समय आपको कोई एडमिशन के लिए फीस वगैरह नहीं ले जाना है, ठीक है। फीस कब देना होगा? जब आपको फाइनल एडमिशन के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। कॉल किया जाएगा या आपको लॉगिन आईडी में आपको दे दिया जाएगा फाइनल एडमिशन इस डेट में आपको पढ़ा है, तब आपको फाइनल। ये प्रोविजनल एडमिशन है। प्रोविजनल एडमिशन होता है कि डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज एडमिशन मिल चुका है, तो यहाँ पे आप अपने इच्छा के अनुसार कॉलेज का, जो आपको कॉलेज मिल चुका है फर्स्ट चॉइस में, वहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इच्छा नहीं हुआ NSTA को हावड़ा में आप नहीं कराना चाहते हैं, आप मुंबई में कराना चाहते हैं, कानपुर में कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप ऑप्शन रख सकते हैं कि नहीं, हमें सेकंड काउंसलिंग का वेट करना है, मुझे काइंडली मेरा जो NSTA हावड़ा जो अलॉटमेंट मिल चुका है उसको आप चेंज करके NSTA को कानपुर कर दीजिए, इलाहाबाद कर दीजिए, या आप अपने इच्छा के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं बाद में। लेकिन ये प्रोविजनल एडमिशन के टाइम ही आपको चेंज हो सकता है। फॉर्म आपको मिलेगा जिस दिन आपको एडमिशन पड़ेगा, 1 अगस्त को एडमिशन इसका डेट पड़ा था, 1 अगस्त 2019 को इस प्रकार का फॉर्म उसे दिया जाएगा। वो फॉर्म आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आपके साथ ही ले जाइएगा और फॉर्म वगैरह सबको आपको भरना होगा, अपना डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, कैंडिडेट क्या है, गवर्नमेंट ड्यूपेटेड है कि प्राइवेट है, प्राइवेट कैंडिडेट है, गवर्नमेंट ड्यूपेट जो गवर्नमेंट कॉलेज में पहले से जॉब कर रहे हैं और गवर्नमेंट के थ्रू ही, गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू ही उनको भेजा गया CITS करने के लिए, क्रॉस इंटरनल कोर्स करने के लिए, तब वो गवर्नमेंट गिरडीह NSTA में आपका एडमिशन पड़ा है फाइनली। जब आपको फाइनल जब एडमिशन आपको जब पड़ेगा तो इस प्रकार का एक फॉर्म मिलेगा जिसमें पर्सनल डिटेल्स आपका ध्यान से भरिएगा, आपका कौन सा क्वालिफिकेशन है, माध्यमिक है, ITI है कि डिप्लोमा है, किस बेसिस से भर रहे हैं, ये फ़ोटोज़ वगैरह, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है, ये अवश्य आप ध्यान से भरिएगा, काफ़ी डिटेल्स क्या क्या भरना है। इसका एक टेबल दिया हुआ कि आपका जनरल कैंडिडेट है कि PH है, किस स्टेट में आप भर्ती होना चाहते हैं, उसका एक कोड दिया हुआ है, वो कोड को फॉर्म के हिसाब से आपको भरना है। कौन सा कैटेगरी आपका, PH है, एक सर्विस मैन है, प्राइवेट कैंडिडेट, गवर्नमेंट डिपोर्टेड है, इकोनॉमी। एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, आप एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो डॉक्टर MBBS डॉक्टर से बना के लेके जाइएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में नहीं, आप अगर पहले नहीं जमा करते लास्ट में फिर आपको जमा करना ही पड़ेगा। 3 कॉपी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपका अकाडमिक क्वालिफिकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है एडमिशन के टाइम में, अकाडमिक क्वालिफिकेशन 10-12 जो भी है, ग्रेजुएशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अप्रेंटिसशिप है, डिप्लोमा है, डिग्री है, BTech है, जो भी है, प्रूफ ऑफ एडमिशन, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशन का आपका सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ एडमिशन किया हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, हैंडीक्राफ्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। और ये मेन मोमेंट सभी के लिए फॉलो होता है, एक ही रहता है, ठीक है। हॉल टिकट जो अब ऑल इंडिया कॉमेंटेस में आपने दिया था उसका एक हॉल टिकट का जेरोक्स कॉपी, वो भी रखिएगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 3 कॉपी, स्टाम्प साइज़ फ़ोटोग्राफ 1 कॉपी, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका, ऑल इंडिया कॉमेंटेस का मैं रोल नंबर क्या था, लोन ID क्या था, आप हॉस्टल फैसिलिटी लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। बाकी डिक्लेरेशन इस तक मैं कोर्स फी का बात करूं तो ये जो कोर्स फी आप देख पा रहे हैं, जैसे एक जनरल कैंडिडेट का जो OBC कैंडिडेट था उसका, जो आपका जो प्राइवेट कैंडिडेट था, गवर्नमेंट डुप्लीकेट का अलग एक कोर्स फी है, टोटल आपका नॉन जो हॉस्टल नहीं लेना चाहते हैं, हॉस्टल लेना चाहते हैं 1525, और जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं या ST/ST है उसके लिए अलग कोर्स फी है 3325, और 3000 रुपये सब मिला करके 2715 हो रहा, तो इसको, और 100 रुपये इसका जिम खाना फीस है। तो ये जो कोर्स भी है, ये NSTI जितने भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है जहाँ पे CITS कोर्स होता है, इसके लिए ये कोर्स भी फिक्स है, अराउंड 5000 के अराउंड होता है कोर्स, ठीक है। और जो आपने काउंसलिंग फीस जो 1000 रुपीज़ पे किया था वो एडमिशन का अमाउंट से डिडक्शन होगा। मान लीजिए एडमिशन अमाउंट आपका 4000 के अराउंड हो रहा है,
या 5000 के अराउंड हो रहा है, तो हज़ार रुपये वहाँ से माइनस होकर के आपका 3000 आपको पे करना होगा इस प्रकार, क्योंकि हो भी सकता है कुछ बढ़ सकता है अभी नया रेट के हिसाब से, लेकिन 5600 के अराउंड आपका ये सभी कंप्लीट हो। और इस प्रकार का ये फॉर्म जो है आपका 4 से 5 पेज का एक फॉर्म होता है, जिसमें एक जनरल डिटेल्स होता है आपका रिलेटेड, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आता तो जो सर अवेलेबल होंगे वहाँ पे जो एडमिशन ले रहे हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। ये फॉर्म आपको खुद से ही भरना होगा, ये जो एडमिशन का जो फॉर्म मिलेगा आपको। तो आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।